मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद एक बार फिर खातेगांव के छात्र छात्राओं ने शिक्षा के क्षेत्र में नगर का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की प्रावीण्य सूची में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत वाणिज्य संकाय में एमराल्ड स्कूल खातेगांव की छात्रा उर्वशी पिता मनीष बाधोले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और विद्यालय नगर का गौरव बढ़ाया। इसी प्रकार होम साइंस विषय में खातेगांव शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा कनिका पिता कमलेश यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले में सफलता का डंका बजाया। एमराल्ड विद्यालय में आज वाणिज्य संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा उर्वशी मनीष बाधोली का प्राइवेट स्कूल संघ के अध्यक्ष राम निवास ढाका हिमांशु जोशी की उपस्थिति में अभिनंदन व सम्मान किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप साहू, पुनीत जैन, संदीप बागवान, आशीष जायसवाल, विद्यालय के डायरेक्टर आशीष बाथोले, हर्षिता बाथोले, विद्यालय के शिक्षकों ने उर्वशी का पुष्पहार से स्वागत और अभिनंदन किया, मिठाई खिलाई, शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्या कहा उर्वशी ने हमारे प्रतिनिधि से चर्चा में, आप सुनिए। जिले के टॉपर उर्वशी, कैसे ये जानकारी लगी आपको कि आप जिले के टॉपर हैं? मुझे एक्चुअली मेरे मतलब रिजल्ट देख लिया था तो उसमें पता चल गया था कि 94.2% बने, बट देन स्कूल से कॉल आया कि मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा। कैसा महसूस हुआ उस समय जब जिले के टॉपर रही आप? मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई और मतलब फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा और स्कूल के टीचर्स डायरेक्टर सर डायरेक्टर मैम उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई। फ़ोन स्कूल से आ ही गया था डायरेक्टर सर का डायरेक्टर मैम का उसी टाइम आ गया था तो हाँ बहुत अच्छा। अब क्या लक्ष्य है? मुझे आगे जर्नलिज्म करियर परस्यू करना है और उसके लिए मैंने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की। क्या कहना चाहेंगे अपने सहपाठियों को, अपने से जो नीचे क्लास में बच्चे थे जो अपने साथ थे? जो मतलब मेरे क्लासमेट्स थे उनका जो रिजल्ट आया है मतलब कुछ लोगों का कम आए हैं तो वो भी होप मत छोड़ो, बहुत अच्छा है। तुम लोगों का जो भी है आगे और हार्डवर्क करो और जिन लोगों के बहुत अच्छा है उनको ऑल द बेस्ट, और जो जूनियर्स हैं उनको बस यही कहना है कि तुम लोग भी हार्डवर्क करते रहो तो बहुत अच्छा रिजल्ट। शुरू से ही लक्ष्य रखा था कि जिले में आना है कि प्रदेश में आना है कि सिर्फ पढ़ाई ही की? नहीं मतलब ऐसा था कि हाँ टॉप करना है, 90+ लाना है किसी भी हाल में और हाँ स्टडी करनी। किस प्रकार का सपोर्ट मिला विद्यालय से, परिवार से? हाँ फैमिली ने और मतलब स्कूल में सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मा पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, उन्होंने सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जो भी चाहिए थी। उसके बाद हमारे डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम कुछ भी हमको इशू होता था स्कूल में तो हम लोग जाते थे करवाते थे और वो हमारे लिए जो भी जैसे कंप्लेन रहती थी तो वो सही कर देते थे। और फिर हमारे जो टीचर थे जो सब्जेक्ट टीचर थे उनको डाउट वगैरह रहता था तो सबसे पहले हमें डाउट समझाते थे, और जो हमारे हेड थे हमारे 11th और 12th के पांडे सर उन्होंने भी हमारी हर चीज़ में बहुत हेल्प की।